हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई एस अंसारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे, विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराएं या प्रमोशन दें, इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है। और अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको लगातार प्रोवाइड की जाती है। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर कहना है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण का सकारात्मक पक्ष ये है कि ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के चुनाव में गुरुजनों की विद्यता को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर सरकार का रुख साफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा कि परीक्षाएँ ली जाएँ या बिना परीक्षा विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। तो दोस्तों, बहुत जल्दी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को विदाउट एग्ज़ाम के प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ऑलरेडी परीक्षाओं को कराने के लिए 30 जून के बाद की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एग्जामिनेशन स्कीम भी जारी कर दी है। फिलहाल यदि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूनिवर्सिटी या फिर सरकार की तरफ से कोई फैसला आता है तो आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।